रहुआ देखलवानी पवन ब्लॉग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा विसर्जन, जो कि सबसे लंबा भी होता है और 48 लगभग 48 घंटे का ये विसर्जन होता है। आप मेरे फेस पे इतना खुशी क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी मेरे घर के सामने आ चुके हैं। हनुमान जी जब विसर्जन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले पूरा गांव घूमते हैं। ये हनुमान जी का जो मुटुक है ये पूरा चांदी से बना हुआ है। तो आज विसर्जन का दूसरा दिन है, क्योंकि हमारे यहाँ विसर्जन दो अढ़ाई दिन का होता है। तो आज भारत का सबसे बड़ा विसर्जन हमारे यहाँ होता है, तो आज है दूसरा दिन। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम अपने भारत का सबसे बड़ा विसर्जन जो हमारे रिकिलगंज में होता है। तो चलिए दिखाते हैं। हाथी तो नहीं हुए, इसके पहले हाथी सनक गई थी, जिसके कारण हाथी नहीं हुए, ऊँट वगैरह हुआ है। तो आपको पूरा दिखाएंगे। और ऑर्केस्ट्रा यहाँ होता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब हमारे आप अश्लील समझिए, जो भी यहाँ ऑर्केस्ट्रा होता है, परंपरा है शुरू से ही। तो यहाँ सबसे पहले आखा नंबर एक चलता है, फिर दो इस तरह लाइन से चलता है। तो देखिए आखा नंबर एक में हुआ है ऊँट, आप देखिए ये ऊँट हुए, बहुत सारे ऊँट है। हाथी नहीं है क्योंकि हाथी सनक गई थी इसके पहले, इसलिए हाथी नहीं, इस बार ऊँट हुआ है। तो आखा नंबर एक का मूर्ति दिखाएंगे और ऑर्केस्ट्रा भी दिखाएंगे आपको। आखरा नंबर एक हमारे वीर बजरंगी हैं, जो कि ये पूरे इलाके में फेमस है। यहाँ हनुमान जी का नानी का घर है, इसलिए आखरा नंबर एक हनुमान जी हैं। और इनका जो मुटुक दिख रहा है चांदी का है, और राम जी लक्ष्मण जी का भी चांदी का है, इनके हृदय भी चांदी का है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आखरा नंबर एक का ऑर्केस्ट्रा, और बताइएगा कैसा लगा कॉमेंट में जरूर। इस बार कमेटी वालों ने पता नहीं क्या किया, ये देखिए हनुमान जी को कभी इधर घुमा रहे, कभी इधर घुमा रहे। पहले था कि हनुमान जी सीधा आ रहे थे, ये बहुत गलत चीज है। और हनुमान जी अपने स्थान पे ये लास्ट बार रुक रहे हैं, और अब इनकी आरती की जाएगी, यहाँ डमरू बजाया जाएगा। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं आखरा नंबर दो, जो कि ये भी वीर बजरंगी हनुमान जी की प्रतिमा है। तो अब दिखाएंगे आपको आखरा नंबर दो का ऑर्केस्ट्रा। अब हम आपको दिखाने वाले आखा नंबर तीन, और आखा नंबर तीन में ऊँट हुए हैं, बहुत सारे ऊँट है, एक नहीं लग रहा है हमको, चार 10 या 8 होंगे ऊँट। और आखा नंबर तीन माँ दुर्गा की प्रतिमा है। अब हम आपको दिखाते हैं आखा नंबर तीन का ऑर्केस्ट्रा, और यहाँ कुछ कलाकार भी आए हुए थे जो अपना कलाकारी दिखाएंगे। Thank you.
अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अखंड नंबर 4, और ये है अखंड नंबर 4 माँ दुर्गा की प्रतिमा। अब दिखाने वाला हूँ अखंड नंबर 4 का आपको ऑर्केस्ट्रा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अखंड नंबर 5, और ये अखंड नंबर 5 हमारे वीर बजरंगी हैं। अब आपको दिखाने वाला अखंड नंबर 5 का ऑर्केस्ट्रा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अखंड नंबर 6, और अखंड नंबर 6 माँ दुर्गा की प्रतिमा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अखंड नंबर 6 का ऑर्केस्ट्रा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अखंड नंबर 7, जो कि हमारे वीर बजरंगी की प्रतिमा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अखंड नंबर 7 का ऑर्केस्ट्रा।